सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उनका भाई हूँ छोटा, ना मेरी माँ का है, ना मेरे भाई का है, ना मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। वो पागल हो गए, मजनून हो गए हैं, वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं, ना वो नमाज ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पर ये सब बातें बोल रहे हैं, कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ, यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ, ना मैं, ना मेरी माँ, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुकात उनसे ख़त्म कर दिया।